नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। आज हम आपको बताएंगे DSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल फ़ोन से मैं इसका एडमिट कार्ड कैसे निकालूं, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन से आप इसका एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल जी हाँ, आपको मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं, 100% आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। आप वीडियो बताने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसके बगल में बेल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे डाउनलोड करोगे। तो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर जो ये अभी आप गूगल सर्च करोगे कि DSSB करके, तो आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ का लिंक दे देता हूँ, आप यहीं पर डायरेक्टली आ जाओगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको जो 3 डॉट्स हैं, 3 जो ये लाइनें हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये डेस्कटॉप साइट मोड रहेगा, तभी आप इसको ओपन कर सकते हैं, अन्यथा मत नहीं हो पाएगा। तो आप डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा, तो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप साइड कर लिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर ये दूसरा नंबर और डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम डेट जो कि 16 और 18 तक के बीच में है, उन्हीं लोगों का 16 और 18 को उनका एडमिट कार्ड निकल रहा है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते हैं तो आप इसको ओके वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये चीज़ आ गई, इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि डेट ऑफ बर्थ लोगों के अक्सर गलत हो जा रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ मैं क्या डालूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए 2/5/1998, ठीक है, 1998 किसी का, तो आप कैसे डालना है, ऐसे डालना है। इसी में आपको डालना है 02/05/1998, ऐसे आपको डालेंगे तभी आपका निकलेगा। तो चलिए मैं इसको भर देता हूँ, फिर आपको हम बताते हैं। तो जैसा कि मैंने ओपन इसको भर दिया, तो ओपन भरने का मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो एक दूसरा सा पेज ओपन हो, दूसरा सा पेज ओपन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ पर नेम लिख दिया जाएगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे एक आपका हॉल टिकट करके है, आप इस हॉल टिकट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हॉल टिकट पर आप क्लिक करोगे तो आपका एक दूसरा सा पेज ओपन होगा। आप क्या करना है, इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका सेलेक्ट करना है जो आपका DSSB एग्ज़ाम है। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पे सेलेक्ट कर देना है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाले एक्शन की मोड है, देखिए यहाँ पर एक्शन डाउनलोड है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बार डाउनलोड कर लिया था, फिर भी इसको मैं एक बार डाउनलोड करना स्टार्ट हो गया, तो ये डाउनलोड भी हो गया, मैं इसको ओपन भी कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, ये चीज़ें। तो मैंने इनका फ़ोटो और नाम सब कुछ मैंने हाइड कर रखा, क्योंकि सबको नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि किसी ने दिया है तो उसको और सबके बारे में ना हो। तो इसको मैं बता दूं कि इनका जो सेंटर गया है वो 16/6/2019 को है 11 बजे से, ठीक है, और ये इनका क्लोजिंग डेट यानी 12 बजे से इनका परीक्षा स्टार्ट है, और सब कुछ इनका दिया है। और इनका जो सेंटर गया है वो ग्रेटर नोएडा में यानी नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका सेंटर दिया गया है। तो ये चीज़ थी कि आप लोगों के जन्म कार्ड है निकलना स्टार्ट हो गया, अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। और आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।